सभी को राधे राधे। आज हम लोग जानेंगे कि हाथ में जो विदेश यात्रा का एक साइन जो होता है, होते तो कई सारे हैं, बट आज हम लोग एक खास साइन की बात करेंगे जो कि विदेश यात्रा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपनी हथेली का साइज हमें क्लियर करना है, और वो कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। ये जहाँ से देखिए, ये जो उंगलियाँ हैं, ये उंगलियाँ और ये देखिए, ये कलाई और हथेली को जो ये रेखा अलग कर रही है, ये ध्यान से देखिएगा, ये रेखा, इसको मणिबंध रेखा बोलते हैं। ये और ये जो उंगली का बेस में ये जो रेखा बनी हुई है, ये हमें पूरी लंबाई लेनी है, यहाँ से यहाँ तक। ध्यान दीजिएगा, इस रेखा से इस रेखा तक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसको यहाँ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक रेखा हमने बना दी, ठीक है। तो अब इस रेखा से इस रेखा की हमें लंबाई लेनी है। अब मान लीजिए वो 6 इंच निकलती है, 6 इंच, ठीक। अब देखिए, तो इस 6 का हमें आधा करना है। जैसे ये 6 है, तो 6 के आधे पर हमारे, मान लीजिए यहाँ पे 3 आ रहा है आपका, 6 का आधा 3। अब हमें 3 का भी आधा करना है, 3 का आधा मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है 1.5, ठीक। पहले पूरी 6, अब ये 6 इंच जरूरी नहीं कि आपका भी 6 निकले, ये एक वर्गाकार हाथ है। कुछ हाथ लंबे होते हैं तो उनका हो सकता है ज़्यादा आ जाए, कुछ हाथ छोटे होते हैं तो हो सकता है ये 5 ही आ जाए या 8 हो सकता है। तो हमें टोटल लंबाई का पहले आधा करना है, फिर उसका भी आधा करना है। उस पॉइंट पर आके हमें रुक जाना है। जैसे 8 होगा तो हमें 4 पर रुकना है, 5 होगा तो 2.5 पर आके रुकना है, फिर उसके आधे 1.25 पर रुकना है। 8 है मान लीजिए, तो 8 पे हमें 4 पे आके रुकना है, फिर 2 पे रुकना है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ हमने 6 इंच लिया है। अब 6 के आधे पर आए 3, फिर आए 1.5, ठीक। अब क्या करना है, हमें यहाँ से एक कर्व लाइन लेनी है ऐसे, जो कि इसकी भी, मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ तक बढ़ाते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये जीवन रेखा है, ठीक है। अभी हम जीवन रेखा ही सिर्फ बना रहे हैं। तो जीवन रेखा से हमें जैसे ये लंबाई ली है, वैसे हमें ये लंबाई भी लेनी है। तो यहाँ पर जैसे हमने आधा किया, उसका आधा किया, सेम वही काम हमें यहाँ पर करना है। अब यहाँ मान लीजिए आ रही है 4, ठीक है। तो 4 पे आए हम 2 पे, एक उदाहरण ले रहे हैं 4 का। 4 के बाद हम आए 2 पे, मतलब उसके आधे पे, फिर उसके आधे पे आए मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है 1, तो ये रेखा हमें यहाँ लानी पड़ेगी ऐसे ऐसे। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे जो काम हमने यहाँ किया है वही काम हमें यहाँ करना है। इसकी लंबाई लेनी है, फिर उसका आधा करना है, फिर उसका आधा। तो यहाँ से हमें उस बिंदु को जोड़ देना है, जो चौथाई वाला बिंदु, इधर से भी और इधर से भी। अब ये जो बन रहा एरिया, जब जोड़ देंगे हम, तो ये जो एरिया बनेगा, ये बोला जाता है मून माउंट, यानी कि चंद्रमा का पर्वत, चंद्र पर्वत मान लीजिए आप। ये बन गया आपका मून माउंट। अब जो फिश का साइन है वो यहाँ बनना चाहिए ऐसे, और ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिश का साइन हम अलग ऐसे बना के दिखा देते हैं आपको, कि कंप्लीट बनना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि सिर्फ ये बने, सिर्फ ये का मतलब मान लीजिए ऐसे बन गया तो ये फिश साइन नहीं है, इसका एक अलग मीनिंग निकलता है। उसके बारे में कभी आगे चर्चा करेंगे कि इसके क्या लाभ हैं और ये कहाँ पर होना ज़्यादा शुभ होता है। ये एक अलग साइन है, ये ना हो, ध्यान ये देना है। फिश मतलब कि उसकी पूंछ ऐसे जरूर होनी चाहिए, यही कंप्लीट फिश मानी गई है। और एक साइन इसी से मिलता जुलता भी बनता है, वो भी आपको बता देते हैं। वो ऐसे बनता है,
ये चौड़ाई उसकी ज़्यादा हो जाती है, रहेगा ऐसे ही, पूंछ उसकी भी रहेगी, बट इसको काइट साइन बोलते हैं, पतंग, हिंदी में पतंग मान लीजिए इसको। तो शर्त उसमें ये है कि आपको करना क्या है, ये जो पूंछ का है इसका पार्ट, उसका हमें ये देखना है, ये चौड़ाई कितनी है, वही सेम चौड़ाई इसके ये जो दोनों जुड़ रहे हैं वहाँ पे भी सेम वही होनी चाहिए, तभी ये कंप्लीट फिश मानी जाएगी। अगर ये ज़्यादा बन रही है इसकी चौड़ाई, इस पूंछ की चौड़ाई से, तो ये काइट साइन है, इसका मीनिंग अलग होता है, वो हम आगे आपको बताएंगे आगे जो सीरीज चलेगी। ये नहीं होना चाहिए, फिश मतलब कि पूंछ की चौड़ाई के बराबर ये चौड़ाई हो, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कुछ लोग इसको फिश मान लेते हैं जो कि गलत है। फिश का मतलब, अब मान लीजिए ये जैसे चौड़ी है तो यही पूंछ भी अगर चौड़ी हो जाए तो ये फिश है, पूंछ के अकॉर्डिंग ही ये चौड़ाई हो तब वो फिश है, अगर ये चीज़ कम आ रही है, ये ज़्यादा चौड़ी है तो वो फिश नहीं है। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब अगर जैसे ये तो राइट हैंड हो गया आपका, राइट, ये राइट हैंड हो गया। अब ये साइन अगर राइट हैंड में है और यही सेम पोस्चर में लेफ्ट हैंड में बनता है तो ये कंप्लीट माना जाएगा, तब तो ऐसे आदमी को मतलब जाना ही जाना है। अब ये जितना कंप्लीट और क्लियर बनेगा उतना ही आदमी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे आधा अधूरा रहेगा तो हो सकता है आदमी कुछ समय के लिए जाए फिर वापस आ जाए, अच्छा क्लियर रहेगा, बहुत अच्छे और भी कई सारे योग भी अगर हैं तो ऐसा आदमी विदेश जाकर बस जाता है, या विदेश का उसका आना जाना लगा रहता है, टूर हो सकता है, जॉब उसकी ऐसी मिले उसको ताकि उसका साल में 2-4 बार आना जाना लगा ही रहे, तो ये क्लियर बनना, ये ध्यान रखना है कि ये क्लियर हो और दोनों हाथों में हो। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, बस ये ज़रूर पार्ट ध्यान रखिएगा कि लंबाई जो है आधी फिर आधी और ऐसे ही सेम इधर, ये बस मेन पॉइंट है। अब आज के लिए बस इतना ही, राधे राधे।